Hello students, welcome in our social studies class. Today we are going to start a new chapter from new book, Political Science. And our chapter name is, What is Democracy? Why Democracy? Democracy क्या है, क्यों democracy के बारे में हम पढ़ें. So student, in this chapter we are going to study about the features of democracy. Let me start with the question, What is democracy? You have already read about different forms of government, right? आपने हमेशा पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि government जो है वो different form की होती है. Governmental system जो है वो differentiated होता है. So on the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few example. चलिए यहाँ आपको कुछ democratic example देते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ भी सको गवर्नमेंटल सिस्टम को और साथ में रियलाइज कर सको कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो ज्यादा बेटर क्यों है. राइट, व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को डिफाइन क्यों करें. सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी. शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वॉन्ट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस. हम कहीं आगे बढ़े उससे पहले यहाँ एक कन्वर्सेशन दे रखा है और इस कन्वर्सेशन में मैरी ये काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन कर रही है कि डेमोक्रेसी को इस तरह से डिफाइन नहीं करना चाहिए. तो अ टीचर मतिल्दा लिंगडो रिस्पॉन्स टू हर क्वेश्चन एज अदर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन. लेट वी ऑल्सो फाइंड आउट द हैपनिंग, what kind of discussion they are having. So with Mary, ma'am, I don't like this idea. First we spend time discussing democracy and then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it the other way around? Shouldn't it the meaning have come first and then the example? Cause she is right. She said ki ma'am, mujhe ye idea bilkul pasand nahi hai. कि पहले हम डेमोक्रेसी के बारे में इतना सारा डिस्कशन करें और उसके बाद में डेमोक्रेसी की मीनिंग हमें समझ में आए. यानी कि लॉजिकल अप्रोच क्या होना चाहिए कि पहले हमें किसी चीज़ का मतलब पता हो और उसके बाद में उसका एग्जाम्पल हमारे सामने है. राइट, व्हाट हर मैम सेड, आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ. उसकी मैम ने कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन हमारी एवरीडे लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता. वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव. डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स. मैम ने अच्छे से एग्जाम्पल दिया और बताया कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को यूज करते हैं तो क्या उनके यूज करने से पहले हम उनको डिफाइन करते हैं उसके बाद उनका यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेन, अगर आपको पेन का यूज करना है, आपको कुछ लिखना है, तो क्या आप ये कहोगे कि मुझे एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके अंदर इंक होती है? नहीं ना, यू जस्ट आस्क फॉर पेन. सिमिलरली इफ द रेन इज आउटसाइड, इट्स कमिंग आउटसाइड, देन हाउ वुड यू डिफाइन द रेन? आप ये कहोगे कि बारिश हो रही है या ये कहोगे कि वाटर साइकिल का सिस्टम होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है. इज इट करेक्ट वे टू डिफाइन अ थिंग? नो. और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लव, तो अगर हम लोग प्यार को एक्सप्रेस करेंगे तो क्या इसका कोई परिभाषा देंगे? नहीं ना. सिमिलरली ऐसे ही अगर हमें किसी चीज को एक्सप्रेस करना होता है, अगर हमें किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना होता है तो उसके लिए पहले डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती. पहले जरूरी होता है उस पर्टिकुलर शब्द के बारे में जानना. मैरी आर्ग्यू करती है, इतने में थोड़ी ना मानेगी, आप ही की तरह शैतान बच्ची है. बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल, पूछती है कि जब ऐसा ही है तो फिर हमें हर बार हर चीज की डेफिनेशन के बारे में क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं कि इस पर्टिकुलर टर्म की डेफिनेशन लर्न करो? लिंग दो मैडम, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली वैन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ वर्ड. तो मैम उसे समझाती हैं कि डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हमें किसी वर्ड को समझने में प्रॉब्लम आती है, जब हम किसी वर्ड को समझने में डिफिकल्टी फेस करते हैं, तब हम उसको बहुत सारे वर्ड से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. सो वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन
only when we wish to distinguish it from say drizzle or cloud burst. Example भी दिया कि अगर हम लोग रेन के बारे में, एक सिंपल रेन के बारे में बोल रहे हैं, तो हम सिंपल कह देंगे बाहर बारिश होती है, हो रही है. लेकिन हमें रेन को डिफाइन कब करना होगा? जब रेन डिफरेंट टाइप्स की होंगी. क्योंकि देखो, रेन कहीं पर बौछारें पड़ती हैं, ड्रिजल, कहीं पर रेन सॉलिड फॉर्म में आती है, स्नोफॉल, और कहीं पर लिक्विड आती है. तो जब हमें ये डिफ्रेंसिएशन बताने होंगे, तभी उस समय हमें इस डेफिनेशन की जरूरत होगी. सो स्टूडेंट्स, वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली, because people use it for different purposes, because very different kinds of government call themselves democracy. yahan par isliye hame zaruri hai definition janna, kyunki bahut tarike ki government apne aap ko democratic kehti hai. to ye jo word democracy hai, iske bare mein iska real sense hame samajhna zaruri hai. now one of the student involved in this discussion and named Ribyang, but why do we need to work on a definition? The other day you quoted Abraham Lincoln to us. Democracy is government of the people, by the people, and for the people. We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Then why we need to change that? Ribyang कहता है कि definition की कहाँ जरूरत है? आपने एक बार कहा था कि Abraham Lincoln के according democracy क्या है? Democracy एक ऐसा government है जो कि people के लिए, पीपल के द्वारा ही रन ऑफ होता है. इवन इन मेघालय वी पीपल आर रूल्ड अवरसेल्फ. तो क्या हम इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं सब चीजों को? व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट? हमें बदलना क्यों है? लिंगदो मैम से, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिस्टम को बदलना है. आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटिफुल, पर क्योंकि मुझे इसकी डेफिनेशन बहुत ब्यूटिफुल लगी, but we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. क्यों हमें डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ डिफाइन करने की जरूरी है? हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी चीज को हम इसलिए अपना लें क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, इसलिए हम उसमें बिलीव करने लग जाएं. बल्कि हमें इसलिए किसी चीज को अपनाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, राइट? योलांडा मैम, कैन आई सजेस्ट समथिंग? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन. आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, एंड इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल. सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल. दिस इज द करेक्ट मीनिंग. वेयर इज द नीड टू डिबेट? योलांडा ने अपने व्यूज रखे और उसने कहा कि मैम, क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ? मेरे हिसाब से तो डेफिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है. मैंने कहीं पढ़ा था डेमोक्रेसी जो है ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से डेमोक्रेसी निकला है, और ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल यानी कि लोग, और क्रेटिया का मतलब होता है रूल यानी कि शासन. तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल. सो दिस इज करेक्ट मीनिंग, देन व्हाई वी नीड टू डिबेट? और ये इसका सही मीनिंग है तो डिबेट की क्या जरूरत है? Lingdo ma'am said, of course that is also a very helpful way of thinking about this matter. I would just say that this does not always work. ये भी एक अच्छा तरीका है इस बारे में सोचने का, लेकिन हमेशा ये तरीका work करे, काम आए, जरूरी तो नहीं है. So a word does not remain tied to its origin. Just think of computers. Originally they were used for computing, that is to say calculating. Very difficult mathematical sums. These were very powerful calculators. But nowadays very few people use computer for computing system, computing sums. They use it for writing, designing, listening music, or watching films as well. So words remain the same, but their meaning can change with time. So in that case, it is not very useful to look at the origin of a word. कितना अच्छे से लिंगदो मैम ने देखो यहाँ एक्सप्रेस किया कि बेटा, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा जिस तरीके से हम किसी वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं वो अपने आप में प्रॉपर हो. एक वर्ड हमेशा एक ही तरीके के सिस्टम से बंधा नहीं रहता, यानी कि जिस वर्ड की जिस समय शुरुआत होती है वो अपने आप में वैसा हमेशा नहीं रह जाता. फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटिंग यानी कि कैलकुलेटिंग.
पहले जब कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ था तो वो मैथमेटिकल सम्स के सॉल्यूशन के लिए हुआ था, लेकिन आज ये कंप्यूटर जो है वेरियस यूजेस में हेल्पफुल है, वेरियस टाइप से हमारे लिए यूजफुल है। तो आखिर कंप्यूटर का वर्ड वही रहा जो उसके ओरिजिन के समय था, लेकिन इसका मतलब तो बदल गया है ना, अब ये यूजफुल तो बहुत तरीके से, राइट? मैरी सेड, मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्व्स, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। मैरी पूछती है, तो फिर मैम आप क्या कहना चाहती हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है? इसका मतलब हमें जब जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं पहले उसकी मतलब जाने, फिर उसका डेफिनेशन इवॉल्व करें। लिंगदो मैम सेड, यू गॉट माई राइट, गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। आखिर आप समझ ही गई मेरी बात को, चलिए अब देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस डिस्कशन, अ वेरी हेल्पफुल डिस्कशन, वी आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड दैट एवरी वर्ड having a differentiation. So for this differentiation, it is necessary to find out the meaning and then definition as well. Right? So let me go back to the discussion and find out something. Here I am going to tell you about a simple definition. So according to the above discussion, some of the similarities and differences among the government that are called democracies. Our simple factor common to all democracies is that the government is chosen by the people. We could thus start with a simple definition. हम लोग ये सारी बातों से एक बात पर आ गए, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसे उस रेस्पेक्टिव कंट्री द्वारा चुना जाता है जिस पर डेमोक्रेसी एप्लीकेबल होती है। तो इन सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट? दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट, दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। इस डेफिनेशन से हम लोग एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं बेटा, कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को इलेक्ट करते हैं किसके द्वारा? उसकी जनता के द्वारा। तो यहाँ पर एक क्लियर सेपरेशन मिल जाता है उन गवर्नमेंट के लिए जहां पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स या रूलर अगर जनता के द्वारा नहीं चूज किए गए हैं तो वो फॉर्म डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता। सो द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। Those who happened to be in control of the army become the rulers of the country. People had no say in this decision. Dictators like Pinochet are not elected by people. This also applies to monarchies. The king of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. अब देखो, अगर हम एग्जाम्पल पर जाते हैं, कौन से एग्जाम्पल पर? पिनोशियो, चीले, अ कंट्री सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका। चीले इज अ कंट्री वेयर द डिक्टेटर पिनोशियो रूल आफ्टर द ओवरथ्रोन साल्वेदर एलेंडे। सो द रूल ऑफ पिनोशियो और द रूल ऑफ पिनोके is not really a kind of rule which is called democratic. Why so? Because the Pinochet is not chosen by the people. Pinochet is not elected by the people. So the ruling of Pinochet is just like a dictator rule. Saudi Arabia is one of the another example. The royal family ruled in the Saudi Arabia. It means this is a kind of government which is called monarchy government, monarchy system. And monarchy is also not a democratic form of government because the elected king is not chosen by the people. So this simple definition is not adequate. It reminds us that democracy is people's rule, right?
but if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर डेफिनेशन की, तो ये अपने आप में सारी बातों को फुलफिल नहीं करती है। डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसा गवर्नमेंट जो रूल करता है, और जो रूलर है वो इलेक्ट होते हैं वहां के पीपल से, राइट? सो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जाएं, तो ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट जो कि इलेक्शन प्रोसीजर को अपनाती है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो उसे डेमोक्रेसी कहना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी अपने आप में बेचा एक बहुत ही वाइड, एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, एक बहुत ही वास्ट वर्ड है जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। हर बार इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव चुन लेना डेमोक्रेटिक नहीं होता। सम ऑफ द अदर फीचर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। So that is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. कई बार ऐसा भी होता है कि elected government जो है वो सिर्फ pretend कर रही है कि वो democratic है। कैसे? Election करवा करके। तो हमें यहाँ पर distinguish करना आना चाहिए, differentiation करना आना चाहिए। So we can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democracy. Democratic government. So let us move to the next topic of this chapter and a very important topic, that is features of democracy. अब जरा हम democracy के features को discuss करते हैं। हमने ये अभी एक simple सा definition देखा, that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. In this simple definition, several important things are included. So some of the question arises, who are the rulers in this definition? Ruler kaun honge? Which official must be elected for government, for any government to be called democracy? Wo kaun se officials honge jinhe elect karke democratic government banaya jaye? Which decision may be taken by non-elected official in a democracy? Second question, what kind of election constitute? Election kaisa ho? Jiske karwane ke baad election democratic bane. So what kind of conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? Next, who are the people who can elect the rulers? Wo kaun log honge jo election procedure mein involve honge? जो अपने रूलर को चुनेंगे, शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस? क्या इलेक्शन में सभी सिटीजन को इक्वल बेसिस पर इंक्लूड किया जाता है? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट? क्या डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स को इस राइट से डिनाई कर सकती है? एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी? कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे? कैन इलेक्टेड रूलर्स जो वॉट एवर दे वॉन्ट, क्या इलेक्टेड रूलर डेमोक्रेसी में जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? या फिर जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, जिसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह रहे हैं, उसको कुछ लिमिट्स में फंक्शन करनी चाहिए? सो इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट ऑफ सिटीजन एज वेल, राइट? सो लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल. Let me start with the major decision by elected leaders. In सभी question के answer हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कुछ example से. Here example given from Pakistan. In Pakistan, General Parvez Musharraf led a military coup in October 1999. Pakistan में General Parvez Musharraf जो कि military कमांडर थे 1999 के समय, ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव. क्या किया इन्होंने? अपनी पावर के बल पर एक ऑलरेडी डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रू करा, हटाया और खुद अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया.
एंड लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव से बाद में इन्होंने अपने डेजिग्नेशन को चेंज किया एंड ही बिकेम प्रेसिडेंट. एंड इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन. व्हाट इज रेफरेंडम बेटा? रेफरेंडम एक प्रोसेस होता है जिसमें डिक्टेटर, इस तरीके का जो रूलर होता है, वो अपनी सिटीजन से वोटिंग के लिए कहता है और वोटिंग सिर्फ यस या नो में होती है. अगर जनता यस वोट करती है तो एक्सटेंशन मिल जाता है और अगर जनता रिफ्यूज कर देती है तो ये जो गवर्नमेंटल सिस्टम रन हो रहा है डिक्टेटरशिप की तरह, वो एंड हो जाता है. अब यहाँ देखिए आप, यहाँ वोटिंग राइट दिए हैं तो क्या ये वोटिंग राइट पाकिस्तान की ये जो गवर्नमेंट है जनरल परवेज मुशर्रफ की, इसे डेमोक्रेटिक कहेगी? मे बी इट्स नॉट ट्रू, राइट? सो द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन अकॉर्डिंग टू रेफरेंडम, ऐसा सामने आया कि रेफरेंडम की वजह से, क्योंकि कंट्री के सिटीजन्स ने इनके लिए यस में वोटिंग की तो इन्हें 5-year का एक्सटेंशन मिल गया. लेकिन ये बात सही नहीं थी. पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. पाकिस्तानी मीडिया ने, ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने और डेमोक्रेसी को मानने वाले लोगों ने इस पूरे रेफरेंडम को एक फ्रॉड बताया, एक मेल प्रैक्टिस बताई, यानी कि ये रियल नहीं था, ये वैसा ही था जैसा परवेज मुशर्रफ चाहते थे. तो इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क. अब जब इन्होंने अपना 5-year का एक्सटेंशन ले लिया, क्या किया इन्होंने? इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तैयार करवाया दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. और इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर की वजह से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एप्लीकेबल था, अमेंडमेंट यानी कि बदलाव. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली. इस ऑर्डर के बाद में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्या चेंज किया? इन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है. द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. जो सिविलियन कैबिनेट के वर्क हैं, अब वो सुपरवाइज होंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर. और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था, इस पर डोमिनेंस किसका था? मिलिट्री ऑफिसर्स का. सो आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. ये लॉ पास होने के बाद में इलेक्शन हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में. सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ. इलेक्शन भी हो रहा है लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको पूरे पावर्स नहीं मिले. उनके ऊपर कंट्रोल था किसका? सारे पावर मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में और जनरल परवेज मुशर्रफ के खुद के हाथों में थे. सो क्लियरली देयर आर मेनी रीजन व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. यहाँ क्लियर होता है कि क्यों हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जब मुशर्रफ का शासन था, डेमोक्रेसी नहीं कह सकते थे, क्योंकि हमने डेफिनेशन देखी. इन डेमोक्रेसी द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट? और यहां पर इलेक्शन हुआ लेकिन इन रियलिटी द मेन रूलर इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, द मेन रूलर इज जनरल परवेज मुशर्रफ. And even the elected representative have no powers. So, let us focus on one of these
Can we see that the rulers are elected by the people in Pakistan? No, not quite. People may have elected their representative to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. They cannot take the final decision because all the decisions are vested in the military officials and the general Musharraf himself. So the power to take final decision rested with whom? With army officers and General Parvez Musharraf. And none of them were elected by the people. और जिनके पास final decision का right था, उनमें से किसी को people ने नहीं elect किया था. So this happened in many dictatorships and monarchies. जहां राजा महाराजाओं का शासन होता है, which is called monarchies, और जहां किसी powerful व्यक्ति का शासन होता है, that is called dictatorship. इन दोनों में ही ऐसा नहीं होता. कैसा? कि जनता के द्वारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव सारी पावर कंज्यूम करता हो. सो दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इन विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड. डिक्टेटरशिप या मोनार्की में क्या होता है कि ये इलेक्शन करवाते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, लेकिन जो रियल पावर होती है वो उसके हाथ में होती है जो चुना हुआ नहीं होता. In a few countries, the real power was with some external powers and not with locally elected representatives. This cannot be called people's rule. और ऐसे शासन को कभी भी people's rule नहीं कह सकते. So this gives us the first feature in a democracy. The final decision making power must rest with those elected by the people. तो democracy में क्या होना चाहिए? Democracy में final decision का जो power है वो उसके हाथ में होना चाहिए जिसे जनता ने चुना है. और जैसा कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा, तो उसे हम डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे. हम बाकी के जो भी फीचर्स हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. होप यू गाइज अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट द ऑल पावर इज वेस्टेड in those representative who is elected by the people, right? Thank you and have a nice day.